ट्रैफिक लाइट है, एक जो है हर 48 सेकंड्स के बाद चेंज करती है, ठीक है, अगली जो है वो 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, तीसरी 108 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, क्लियर। तो हमें ये बताना है अगर वो शुरू हुई है 8 AM पर, फिर ये अलग अलग जलेंगी, लेकिन कितने टाइम के बाद, तीनों फिर एक ही साथ जलेंगी, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेंगे, चलो एलसीएम लेते हैं इसका, 2 से करती हूँ, 2 2 4 2 4 8, 2 3 6 2 6 12, 2 5 10 2 4 8, ठीक है, 1 2 1 8 2 7, ठीक है, 2 6 9 27 एज इट इज आएगा। 3 से कर देती हूँ मैं अभी से, 3 2 6 3 3 9 3 9 27, 2 as it is 3 1 3 3 3 9 3 2 as c 3 1 3 2 1 1 1, ठीक है। इनका अब हमें एलसीएम लेना है, राइट। तो चलो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 is 6 2 3 is 6 2 3 is 6 into 2, ठीक है, इसको करो तो ये आपके पास आ जाएगा 432 seconds, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड्स में है, राइट। अब हमें इसे अगर मिनट में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक। इसको अगर मैं करती हूं 7 टाइम्स करूं, 7 6 42 0, कितना बचा 2 और 1, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, 7 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, ये 0 कर दो, इसमें 2 कर दो, तो ये 120, मतलब 7.2 मिनट्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये मिनट्स में, मुझे इसे सेकंड्स में करना है, तो 7 मिनट्स 2 into 60 कर दो, अब ये सेकंड में हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकंड्स, राइट, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे ये एक साथ एक ही टाइम पे थी, क्लियर है। अब ये 7 मिनट 12 सेकंड्स के बाद दोबारा एक साथ होंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड्स पे ये दोबारा से एक साथ ब्रेक करेगी, क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया कितनी देर के बाद, और उस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा, हमने ये भी बता दिया, और ये सुबह का टाइम होगा क्योंकि 8 o'clock पे स्टार्ट हुए 8 AM पे, ये 8 AM। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, 3 रॉड्स हैं, ठीक है, एक का मेजरमेंट है 28, ठीक है, 3 रॉड है, एक का मेजरमेंट है 45 सेंटीमीटर, दूसरी है 50 और तीसरी है 75। एक ऐसी रॉड चाहिए जो एग्जैक्टली तीनों को जो है वो मेजर कर ले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी इन तीनों को, ऑब्वियसली एलसीएम निकालूंगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 5 9s are 45 10, 5 1s are 5 5 5s are 25, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3 10, 5 5 1 2 1, ठीक है, सही। चलो अब हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, 5 2s are 10, राइट, फिर ये हो जाएगा 5 3s are 15 into 3 45 4 5 0, ठीक है, ये इतने मीटर्स आ गया इसका एलसीएम, क्लियर है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 450 meters, या फिर आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ दैट रोप इज, लेंथ ऑफ जो रोप इसको मेजर करेगी, दैट इज 450 meters या सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, राइट, ये सेंटीमीटर है आपका, ठीक। अगर मुझे इसे मीटर्स में करना होगा तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 100 करूंगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4.5 meters, ठीक। चलो अब हम करेंगे अपना यहां पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।